नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ यहां के कांग्रेस के जाने माने चेहरे के रूप में उभर चुके नेताओं में कह लेंगे आप समीर मंसूरी जी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की डिमांड थी पार्टी से और पार्टी दफ्तर के लगातार चक्कर काटे जा रहे थे मंसूरी जी द्वारा, लेकिन यहाँ का टिकट प्रमोद यादव को दिया गया है। तो देखते हैं अब क्या कुछ रणनीतियाँ हैं समीर मंसूरी जी की, क्या पार्टी के विरोध में खड़े होंगे या पार्टी के साथ हैं। बात करते हैं मंसूरी साहब जी। मंसूरी साहब, क्या कुछ लग रहा है अब जब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है तो क्या कुछ होगा? नहीं, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने आकर मेरे से ये जानने की कोशिश की। देखिए, हम लोग संगठन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। माननीय सोनिया जी के हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस सेवा दल के हम पुराने कार्यकर्ता हैं और नंदकिशोर गोला जी के टाइम से हमने कैंपों में भी काम किया है। तो हम लोग ऐसे नहीं है, देखिए टिकट एक होता है, किसी एक ही व्यक्ति को मिल सकता है और जब किसी को मिल जाता है तो हम लोग संगठन तोड़ने वाले नहीं हैं। और आपको बता दें कि प्रमोद कुमार यादव जो हैं वो जेडीयू के नेता थे बदरपुर से, और जेडीयू का गठबंधन बीजेपी से हो गया और बीजेपी के समर्थन में जेडीयू दोनों होते हैं, बीजेपी और जेडीयू नीतीश जी का जी। तो माननीय सोनिया जी ने कहा कि चाहे वो आम आदमी या किसी भी पार्टी में जिन लोगों ने सम्मान नहीं दे रहे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो कहा पहले उन लोगों को सम्मान दीजिए। प्रमोद कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के नेता हैं और आज जो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये हम लोगों की बहुत खुशी की बात है कि वो कांग्रेस को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। आज बीजेपी अपने आप ऐसे लोग ध्वस्त हो रहे हैं, तो प्रमोद कुमार जी के आने से जो है नीतीश जी को भी और बीजेपी को भी बहुत बड़ी झटका लगेगा। समीर जी कहते हैं क्षेत्र में पकड़ नहीं है इनकी, क्योंकि हम लोग भी एज अ पत्रकार अभी तक उनका नाम नहीं सुने थे और आम जनता से भी जब हम बात कर रहे हैं तो कैंडिडेट के नाम का पता ही नहीं है लोग। देखिए, ये तो होता है, कुछ संगठन चलाने वाले हमारे कुछ जो है पदाधिकारी इस तरह होते हैं जो ऐसे लोगों को बहकावे में आके बाद में अच्छी सर्वे नहीं कर पाते हैं, पार्टी की ये कुछ कमियाँ रह जाती है तो सर्वे नहीं कर पाते हैं, आए हुए बाहर से लोगों को टिकट दे देते हैं, उनकी अंदर की छवि नहीं जानते हैं, तो इससे तो व्यवस्था में कमी होती है। लेकिन कांग्रेस एक पार्टी है और कांग्रेस की छवि बढ़ रही है, उससे प्रमोद जी के नाम पे नहीं, कांग्रेस पार्टी के नाम पे जो वोट मिलना है, और उन्होंने नीतीश जी के पार्टी में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने नीतीश जी को बुला करके यहाँ बदरपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हुए प्रमोद कुमार जी ने नीतीश जी को बुलाया है, तो मेरे को लगता है कि नीतीश जी के पार्टी में जो लोग प्रमोद जी को चाहते हैं वो भी प्रमोद जी को वोट देंगे और कांग्रेस तो के लोग तो देंगे ही उनको। देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी है सामने, आपके क्षेत्र में माइनॉरिटीज़ वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम वोटों की मैं बात कर रहा हूँ, NRC CABCA इनका विरोध चल रहा है लगातार, ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ लगता है इस बार बदरपुर में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? देखिए, कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस तो अपने 70 के 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है, ठीक है, और वो जीतने के लिए लड़ रही है, तो पार्टी का आदेश है। कांग्रेस की रणनीति तो 70 विधानसभा पे सीटों पे चुनाव अपने आप लड़ रही है, उसमें से 4 RJD के साथ जो है समझौता हुआ है, तो सभी सीटों पे, और हमारा पहले भी जो है जो लोकसभा चुनाव हुआ हम दूसरे नंबर पे हैं, तो हमें अच्छी पोजीशन है। और यहाँ थोड़ा बदरपुर में संगठन के कहिए कि सहमति से टिकट ना मिला या थोड़ा कमी रह गया, उससे व्यवस्था ख़राब हो सकता है, लोग प्रमोद कुमार जी को न जाने या नए चेहरा से या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना उम्मीद नहीं है ख़राब होने के। फिर भी जो लोग कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, अब प्रमोद कुमार जी का अपना छवि है उनके लोग भी वोट देंगे, मुझे विश्वास है कि अच्छी पोजीशन रहेंगे प्रमोद जी का। एक और सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह ये सारा माजरा हुआ, रात के 12:10 पर टिकट क्लियर किए गए, वो भी नामांकन से एक दिन पहले, जिस दिन नामांकन करना था कह लेंगे आप सेम डेज में अगर टिकट दिया गया, तो इस तरह जो 7-8 सीटें अटकी हुई थी कांग्रेस की, क्या कुछ उम्मीद थी आपको जिस तरह आपके यहाँ पर आबादी थी और आप लगातार सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो कुछ संदेश ऐसे भी थे कि टिकट आपको मिल रहा है या क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल हमें उम्मीद थी और बिल्कुल हमारा टिकट बना हुआ था, ठीक है जी। हमारे को 3 दिन पहले प्रदेश प्रभारी
प्रदेश अध्यक्ष का आदेश भी था और हमारा जो है बायोडाटा लगा था और हमारा नाम चल रहा था, हमें आदेश था कि आपको टिकट आजकल में मिलने वाला है, ठीक, हमारा नाम ऊपर था, माननीय कीर्ति झा आजाद जी के नेतृत्व में लगाया हुआ था, पूर्वांचल का मैं नेतृत्व करने वाले नेता कीर्ति झा आजाद जी के मैं पूर्वांचल के नाम पर लगाया था, मैं मुस्लिम होने के नाते मैं एक पूर्वांचल का हूँ, पूर्वांचली हूँ, और यहाँ मुसलमानों का प्लस पूर्वांचलों का दोनों वोट हमारे साथ था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जी लास्ट में उनके साथ जो भी हुआ हो, उन्होंने टिकट में जो भी नहीं समझ पाए हो, चाहे जो भी कमियां रह गया हो, यह चुनाव आएगा तो उनको पता चल जाएगा, लेकिन मेरा जो फर्ज है मैं पार्टी के लिए काम करूँगा काम। समीर मंसूरी जी के साथ हम बने हुए थे और इनसे बातचीत कर रहे थे, जिस तरह कांग्रेस पार्टी में टिकट की उम्मीद थी इनकी और यहाँ की जनता भी समझ रही थी कि शायद समीर मंसूरी जी कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से हो सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर पासा पलट गया, फिर भी समीर जी कांग्रेस के साथ हैं और इनका कहना है कि कांग्रेस मजबूत है, संगठन में किसी भी तरह की फूट नहीं है और प्रमोद यादव का सपोर्ट रहेगा, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट रहेगा। क्या कुछ होता है इस चुनाव में ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन राजकमल के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24 दिल्ली।